नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे छोले की एकदम आसान और डिफरेंट सब्जी। तो मैंने छोले 6 से 8 घंटे भिगो लिए थे, इनको अच्छे से मैंने धो के भिगोया था और जो इनका बचा हुआ पानी था वो मैंने निकाल दिया और एक बार फिर से धो लिया। उसके बाद मैंने कुकर में पानी ऐड किया, पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद मैं इसमें छोले ऐड करूँगी। गरम मसाले लिए हैं 8 से 10 काली मिर्च, एक मोटी इलायची, 2 लौंग, एक तेज पत्ता, ये मैं इसी में ऐड कर दूंगी। मैं ऐड कर रही हूँ अब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम थोड़ा कम ही ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हींग और स्वाद अनुसार नमक। नमक हम कम ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर 3 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। इधर मैंने 1 प्याज, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं, इनको हम गोल गोल कट कर लेंगे जैसे हम सलाद के लिए कट करते हैं, और हरी मिर्च हम लंबी काटेंगे, इनमें से मैंने बीज निकाल लिया है। इधर 3 विसल लग चुकी है। उसके बाद हम छोले चेक करेंगे, जो हमारे छोले हैं वो आधे पक चुके हैं इस टाइम पे। तो हम इस पे एक आलू जिसको हम छील लेंगे, धो लेंगे और ऐसे पीसेस में काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। वापस मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ और फिर से हम 3 विसल आने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। 3 विसल लग चुकी है, हमारे छोले हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। हम आलू को अच्छे से मैश कर देंगे और छोलों को भी हम अच्छे से मैश कर देंगे थोड़ा बहुत, बस इस तरीके से। और इसमें से मैंने तेज पत्ता और मोटी इलायची निकाल ली। अब हम इसमें जो कटे हुए प्याज और टमाटर हैं और हरी मिर्च है वो हम इस तरीके से इसमें रख देंगे। एक एक करके अच्छे से रखें। पहले सबसे पहले मैंने प्याज रखा, उसके बाद मैं टमाटर रख रही हूँ और अच्छे से पूरी सब्जी में फैला के रखना है। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च रख रही हूँ। इसको हम एक साइड रख देंगे। दूसरे बर्तन में हम तेल गरम करेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, कम आंच पे गर्म करेंगे और ध्यान रहे तेल अच्छे से गर्म हो। देखिए तेल में अच्छे से धुआं उठने लग गया। इस टाइम पे मैंने कुकर में तेल डाल दिया और कुकर का ढक्कन वापस लगा दिया। कुकर का ढक्कन हमें बंद करके इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे एक बार फिर से पकाऊंगी और फिर चेक करूंगी। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आपको पसंद आए तो रेसिपी ट्राई करें। थैंक यू।